सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप घर पर स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज मैं आपको पाठ 12 जो मैं अनुवाद करवा चुकी हूँ, पाठ 12 कै रक्षति कै रक्षित है पाठ का नाम है आपका, उसका अभ्यास आज शुरू कर रही हूँ। तो पहला प्रश्न देखो बच्चों, यहाँ पर प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन। बच्चों, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं आपको, उनके उत्तर आपको एक पद में देने हैं, ठीक है? तो पहला प्रश्न है, केन पीड़ित है वैभव बहिर आगत है। केन पीड़ित है, किससे पीड़ित होकर या किससे परेशान होकर वैभव बहिर आगत है? वैभव बाहर आता है, किससे परेशान होकर वैभव बाहर आता है? तो इसका उत्तर बेटा मैंने यही लिख दिया है, प्रचंड उष्मणा का मतलब है बहुत तेज, उष्मणा मतलब गर्मी, ज़्यादा गर्मी के कारण परेशान होकर वैभव बाहर आ जाता है। अगला प्रश्न है, भवनेत्य इदानीम निर्माणाय के कर्तयन्ते। भवन आदि, भवनेत्य दिनाम का मतलब है भवन आदि या मकान आदि निर्माणाय बनाने के लिए के कर्तयन्ते, क्या काटे जाते हैं? भवन आदि बनाने के लिए क्या काटे जाते हैं? वृक्षः, क्या काटे जाते हैं? वृक्ष काटे जाते हैं, पेड़, ठीक है? फिर पेड़ काटकर उस जगह पर मकान आदि भवन आदि बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मार्गे किम दृष्टिया बालाः परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति। मार्गे मतलब रास्ते में, किम दृष्ट्वा क्या देखकर, रास्ते में क्या देखकर बालाः जो लड़के थे, परस्परम का मतलब आपस में, वार्तालापम, वार्तालाप मतलब बातें करना, कुर्वंती मतलब करते हैं, रास्ते में क्या देखकर लड़के आपस में बातचीत करते हैं? तो इसका उत्तर यहाँ लिखा है बच्चों, अवकर भंडारम। अवकर भंडारम का मतलब कूड़े के ढेर, ठीक है? जब वो लड़के गर्मी से परेशान होकर बाहर घूमते हैं, नदी की ओर जाते हैं, तो वो किस चीज़ को देखकर आपस में बातें करते हैं? अवकर भंडारम, कूड़े के ढेर को देखकर। अगला प्रश्न, वयम शिक्षितः अपि कथम आचराम। वयम मतलब हम सब, शिक्षितः अपि, शिक्षित होते हुए भी, पढ़े लिखे होते हुए भी, कथम आचराम है, कैसा आचरण करते हैं? हम सब शिक्षित होते हुए भी कैसा आचरण करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं? अशिक्षिता इव, अशिक्षिता इव का मतलब अनपढ़ों जैसा, अशिक्षित लोगों के जैसा व्यवहार करते हैं। अगला, प्लास्टिकस्य मृतिकायां लयाभावात् कस्य कृते महतीं क्षति भवति। अर्थ समझो बच्चों, प्लास्टिकस्य मृतिकायां, प्लास्टिक के मिट्टी में लयाभावात् मतलब मिल जाने पर, कस्य कृते महती क्षति भवति, किसको वो ज़्यादा हानि पहुँचती है? जब प्लास्टिक की कोई वस्तु मिट्टी के अंदर मिलती है तो किसको क्षति पहुँचती है, अर्थात हानि पहुँचती है? तो उत्तर है, पर्यावरण से, हमारे पर्यावरण को हानि पहुँचती है। अगला प्रश्न, अद्य निदाघ ताप्तस्य, अद्य निदाघ ताप्तस्य किम शुष्कताम याति। आज गर्मी के कारण, अत्यधिक गर्मी के कारण क्या सूखा जा रहा है, क्या सूख रहा है बच्चों का या लोगों का? तालू, अत्यधिक गर्मी के कारण तालू सूख रहा है, ठीक है? यहाँ पर बच्चों आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया है, अब मैं आपको प्रश्न 5 करवा रही हूँ, प्रश्न 2 और 3, 4 जो रह गए हमारे दूसरी वीडियो में करवाऊँगी। ध्यान से देखो, विशेषण पदैस है विशेष्य पदानि योजयत्।
यहाँ पर आपके पास विशेषण पद है, यहाँ विशेष्य पद है, ठीक है। विशेषण और विशेष्य मैं कई बार करवा चुकी हूँ। जब हम किसी वस्तु की तुलना करते हैं या किसी की खासियत बताते हैं, तो जिस वस्तु की हम खासियत बताते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं हम विशेष्य, और जिस शब्द से हम विशेषता बताते हैं उस शब्द को हम विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे काला घोड़ा, तो यहाँ घोड़े की विशेषता बता रहे हैं, तो घोड़ा हमारा विशेष्य है, और उसकी विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है, काला, तो काला शब्द क्या हुआ बच्चों, विशेषण। तो ये हैं आपके विशेष्य और विशेषण। तो यहाँ पर थोड़े से विशेष्य विशेषण हैं, कुछ उनके बारे में बता रही हूँ, ध्यान से समझो। कांचित शांतिम, कांचित शांतिम, कुछ शांति, थोड़ी शांति या कुछ शांति, तो यह विशेष्य क्या है, शांतिम, और विशेषण क्या है, कांचित। अगला स्वच्छानि गृहाणि, स्वच्छानि गृहाणि का मतलब है साफ घर, तो घर की विशेषता बता रहे हैं। तो गृहाणि शब्द क्या है, विशेष्य, और उसकी क्या विशेषता है कि वो स्वच्छ है, साफ है, तो स्वच्छानि शब्द हो गया हमारा विशेषण। अगला है पिहिते अवकर कंडोले, पिहिते का मतलब होता है ढका हुआ, अवकर कंडोले, अवकर मतलब कूड़ा और कंडोल होता है कूड़ेदान, ठीक है ना, डिब्बा, तो ढका हुआ कूड़ेदान में, ढके हुए कूड़ेदान में, तो कूड़ेदान की हम बात कर रहे हैं, वो तो हो गया हमारा विशेष्य, और वो कैसा है, ढका हुआ है, ये उसकी विशेषता बता रहा है शब्द, तो विशेषण हो गया पिहिते शब्द। अगला है स्वच्छता स्वास्थ्यकरी, जो स्वच्छता है वो स्वास्थ्यकरी है, तो हम यहाँ स्वास्थ्यकरी शब्द क्या है, विशेष्य, और स्वच्छता क्या है हमारा, विशेषण। गच्छन्ति मित्राणि, जाते हुए मित्र, तो मित्र की खासियत क्या है कि वो जा रहे हैं, जाते हुए मित्र, गच्छन्ति मित्राणि, तो मित्राणि क्या हो गया बच्चों यहाँ पर, विशेष्य, और उनकी क्या विशेषता है कि वो जा रहे हैं, जाते हुए मित्र, तो विशेषण हो गया आपका गच्छन्ति। अगला है अन्यत अवकरम, दूसरा अवकरम मतलब ढेर, कूड़े का ढेर, तो यहाँ कूड़े के ढेर की बात कर रहे हैं, तो वो कौन सा है, दूसरा ढेर है। अगला है महती क्षति, महती मतलब बहुत ज़्यादा, क्षति का मतलब हानि, तो हानि कैसी है, बहुत ज़्यादा, तो महती शब्द हो गया हमारा विशेषण, और क्षति शब्द हो गया हमारा विशेष्य। तो यहाँ पर बच्चों ये आपका विशेषण और विशेष्य का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। इससे आगे बच्चों मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी, आशा करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको कोई परेशानी है, कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।